Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. तो आई वॉज रिसीविंग मेनी कमेंट्स फ्रॉम यूर साइड कि सर कॉस्टिंग के एम सी क्यूज लाना तो आज मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्टली ट्वेंटी एम सी क्यूज कॉस्टिंग के रिवाइज करवाने वाला हूँ जिससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट रिवाइज होने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और लास्ट में अगर अच्छा लगा वीडियो तो ही लाइक करना वरना आपके जो कमेंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड आपको ये एम सी क्यूज से अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे आपके पेपर से रिलेटेड ताकि आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉस्टिंग सेमिस्टर फाइव डैश इज द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच के नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड डायरेक्ट टू द प्रोडक्शन कॉस्ट तो ऐसा कौन सा पार्ट है टोटल कॉस्ट का जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट तो इसका राइट right आंसर है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट का पार्ट पोर्शन में आएगा जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्सपेंसिस बढ़ते रहेंगे कम भी होते रहेंगे डिपेंड करते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल इज चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल गेन अकाउंट या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा एबनॉर्मल लॉस जो है वो ट्रांसफर होगा या चार्ज होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर थर्ड एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल और इसका कॉस्टिंग में दूसरा भी मीनिंग है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है ऑलवेज बेटर कंट्रोल तो एनालिसिस जो मटेरियल कॉस्टिंग में आएगा एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो ये थोड़ा सा अलग पार्ट का ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाय शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो एबीसी जो एनालिसिस है दैट इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन याद रखना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन राइट आंसर इसका है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फोर्थ पॉइंट अंडर विच मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन स्टॉक इज वैल्यूड एट लेटेस्ट प्राइस पेड तो आप जानते होंगे स्टॉक में बहुत सारे मेथड्स होते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक

ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट इज इसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए तो ही आंसर कर सकते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस या डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट देखो ध्यान से समझना ओपनिंग स्टॉक अब ओपनिंग स्टॉक आपके लिए खर्चा है आप बोलेंगे कैसे खर्चा है ओपनिंग स्टॉक हम कहा लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी पॉइंट है वो आपके एक्सपेंस है अगर आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होता है कम होता है बराबर है कि नहीं एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा कम होगा तो एक्सपेंस बढ़ता है प्रॉफिट कम हो गया कॉस्टिंग और फाइनेंशियल दोनों साथ में साथ में चलते हैं अगर आपकी कॉस्टिंग की वैल्यू कम हो गई और फाइनेंशियल ऊपर ही रहा अगर आपकी कॉस्टिंग की वैल्यू कम हो गई ना अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है तो कॉस्टिंग की वैल्यू कम हो गई फाइनेंशियल की वैल्यू वही रह गई तो अभी हमें कॉस्टिंग की वैल्यू को अगर फाइनेंशियल की वैल्यू तक लेके जाना है तो कॉस्टिंग नीचे चला गया था तो कॉस्टिंग को अगर ऊपर लेके आना है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर है एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट ठीक है मैंने रिकन्सिलेशन के ऊपर वीडियो डाला है आप ढूंढे रिकन्सिलेशन का वीडियो उसमें आपको बेसिक्स पता चलेंगे Dash time is the difference between the time for which employees are paid and the employees' time booked against the cost object. Piece rate, Gantt task that is Gantt task bonus plan, ideal, ideal time, a minimum time. So basically, this uh, right answer hai, ideal time. Ideal time is the difference between the time for which employees are paid and the employees' time booked against cost object. that is the ideal time. So this labor costing ke chapter. Mein se hai. अंडर विच प्रीमियम प्लान द टाइम वेजेस आर गारंटेड तो ऐसा कौन सा प्रीमियम प्लान है जहाँ टाइम वेजेस गारंटेड होता है तो लेबर कॉस्टिंग में से जो हैल्थ प्लान रोवेन प्लान एमिरसन प्लान मेरिक्स प्लान गैन बोनस प्लान ऐसे बहुत सारे प्लान्स है उसमें बोनस से रिलेटेड तो जहाँ पे टाइम वेजेस गारंटेड होते हैं उसको हम कहते हैं हेल्थ प्लान हेल्थ प्लान में टाइम वेजेस जो होते हैं वो गारंटेड होते हैं डायरेक्ट मटीरियल्स डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर ट्रीटेड एज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट शीट तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा उनको हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जानेंगे वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जिसका इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा पर यूनिट में होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट और जिसका इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा अमाउंट में होता है उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा जैसे रेंट आप घर पे रहो या ना रहो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा अगर आपने रेंट से घर लिया है दैट इज इज कॉल्ड एज कॉस्ट पॉइंट अंडर अंडर ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी ट्रांसफर्ड द हेड अगर आप का फॉर्मेट जानते हैं तो फॉर्मेट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐसे तीन टाइप के ओवरहेड्स होते हैं ओवरहेड्स का मतलब यहाँ पे होता है एक्सपेंसिस तो ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी कॉस्टशीट में कहा लिखा जाता है ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी में अभी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे दे विल थिंक दैट ऑफिस वर्ड है चलो ऑफिस में लिखते हैं ऐसा नहीं है ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इज रिलेटेड विद द टेक्निकल पार्ट तो टेक्निकल चीज़ें जो भी है वो हमारी होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी जो है वो फैक्ट्री ओवर हेड्स के हेडिंग में लिखा जाएगा

मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग रिलेटेड सैलरी डिपार्टमेंट ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होता कंपनी में तो इसका राइट right आंसर बनेगा पे रोल डिपार्टमेंट क्वेश्चन नंबर इलेवन प्रोडक्शन मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पर्सनल कॉस्ट सेंटर इम कॉस्ट सेंटर या सर्विस कॉस्ट सेंटर तो प्रोडक्शन मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कॉस्ट सेंटर गोल्ड इन ज्वेलरी इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश्ड गुड्स तो गोल्ड इन ज्वेलरी जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल बिकॉज गोल्ड के बेसिस पे फिर ज्वेलरी बनती है वो अलग फैक्टर्स इसका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट इज रिकन्सिलेशन चैप्टर में से क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस या डेबिटेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स इज एन इनकम और इनकम हमेशा हम कॉस्टशीट में रिकॉर्ड नहीं करते कॉस्टशीट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं तो ये रिकॉर्ड होगा फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में इनकम होता है आफ्टर रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन नोट द रिसीविंग ऑफिशियल विल प्रिपेयर तो मटेरियल रिक्विज़िशन इंस्पेक्शन नोट के बाद जो ऑफिशियल होगा वो क्या प्रिपेयर करेगा मटेरियल रिक्विजिशन गुड्स रिसीव्ड नोट रिसीट ऑफ मटेरियल या नन ऑफ दी तो इसका राइट आंसर है गुड्स रिसीव्ड नोट प्रिपेयर किया जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक ओवर इन फाइनेंशियल अकाउंट इज अभी मैंने ओपनिंग स्टॉक का क्वेश्चन लिया था यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला क्वेश्चन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक आप रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अभी क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है मतलब वो इनकम है इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा ओवर का मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया कहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड किया फाइनेंस में फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया फाइनेंस ऊपर चले गया फाइनेंस ग्राउंड फ्लोर पे था वो फर्स्ट फ्लोर पे चले गया और कॉस्टिंग कहां पे? पे ही है अभी कॉस्टिंग को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो कॉस्टिंग की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा मतलब क्या करेंगे हम एड Add करेंगे एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अंडर द एबीसी टेक्निक ए स्टैंड फॉर तो एबीसी टेक्निक्स में ए क्या कहना चाहता है हाई लो एवरेज या नन ऑफ दबाव तो ए स्टैंड फॉर हाई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अंडर विच मैथड न्यू इशू प्राइस इज डिटर एवरी परचेज तो न्यू इशू प्राइस इज डिटर एवरी परचेज हर परचेज में आप नया प्राइस कैलकुलेट करते हो फिफो हिफो लिफो या वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज में ही हम न्यू प्राइस कैलकुलेट करते हैं जिसको हम एवरेज प्राइस भी कहते हैं नंबर इन ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ वेज पेमेंट वेजेस ऑन द टाइम बेसिस आर नॉट गारंटेड अभी मैंने गारंटेड की बात की गारंटेड कहा होता है प्लान में नॉट गारंटेड होता है नॉट गारंटेड कहां होता है रोवेन में टेलर्स डिफरेंशियल रेट या गैंट टास्क बोनस प्लान में तो याद रखना अगर गारंटेड की बात करेंगे तो दैट इज हेल्थ प्लान और नॉन गारंटेड की बात करेंगे तो दैट इज टेलर्स डिफरेंशियल रेट सिस्टम Question number 19. The allotment of whole items of cost to cost centers or cost units is called as cost allocation, cost apportionment, overhead appor, uh, absorption, and none of the above. So, right answer is ka hai, cost allocation. Question number 20. Overheads expenses can be classified according to functions, elements, behavior, all of the above. So, overhead expenses can be classified according to सारे पॉइंट फंक्शन भी है एलिमेंट्स भी है बिहेवियर भी है ऑल ऑफ दी अबाउव भी है दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगले बार मिलेंगे कुछ नए वीडियोज के साथ कुछ नए पॉइंट्स के साथ थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर